हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन। इफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड, रिप्रेजेंट ए कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेन डी इन द जेड प्लेन इनटू ए डोमेन डी डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, देन शो दैट एफ डैश जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन डी। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, वेयर यू इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड वी इज इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड यू प्लस आई वी, जहाँ यू एक्स वाई का फंक्शन होगा एंड वी एफ भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। लेट डी एस एंड डी सिग्मा आर एलिमेंट्री आर्क लेंथ इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर डी एस और डी सिग्मा क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये कोई जेड प्लेन है डी में, इसको हम मैप करेंगे डी डैश में। ये है डब्ल्यू प्लेन। अगर कोई कर्व ऐसे चलता है तो इसकी बहुत ही छोटी सी एलिमेंट्री आर्क डी एस जो कि रिप्रेजेंट होगी डी एक्स एंड डी वाई से, ऐसे ही अगर वह मैप किया जाता है डब्ल्यू प्लेन में, तो मान लीजिए वो कर्व बनता है इसके जैसा, तो उसकी बहुत छोटी सी एलिमेंट्री आर्क डी सिग्मा है जो रिप्रेजेंट की जाएगी यू डी यू एंड डी वी से। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी आर्क होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लगती है। डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर एंड डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। Since u is the function of ux by and v is the function of x by, therefore du निकालते हैं यहाँ से, del u upon del x into dx plus del u upon del y into dy। ऐसे ही dv निकालते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। तो ये वैल्यू डी यू एंड डी वी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं और इक्वेशन सेकेंड में भी पुट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन टू में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में पुट कर देते हैं, डी सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर्स को खोल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करेंगे, यहाँ पर एक टर्म डी एक्स का है, इधर भी डी एक्स का है, तो इनके स्क्वायर को एक साथ कंबाइंड करके लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स
का होल स्क्वायर आएगा एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर कोफिशियंट होगा डी एक्स का। सॉरी डी एक्स स्क्वायर का। आगे होल स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ बोथ टर्म यानी कि दो टर्म का मल्टीप्लाई भी आएगा, तो उसको ध्यान से समझते हैं। टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इनटू होगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इनटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये टर्म होगा डी एक्स डी वाई का, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का टर्म आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म होगा डी वाई स्क्वायर का। इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। सिंस द गिवन मैपिंग इज कन्फॉर्मल, ये हमको क्वेश्चन में बताया गया है, देयरफॉर डी सिग्मा अपॉन डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वन एंड थ्री वी गेट, यहां पर इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट के साथ कंपेयर कर देते हैं, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर देते हैं, तो लिखा जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन वन इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई होल अपॉन ज़ीरो इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर होल अपॉन वन, ये तीनों कंपेरिजन हो गया। इसको हम लेट कर लेते हैं के स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन, इसको हम एक इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं, साथ में थर्ड टर्म भी आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर फाइव दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर फोर को थोड़ा ध्यान से देखें, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर है। अगर हम थोड़ा सा अगर इसे ध्यान दें तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम सोचें कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस अल्फा हो एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स के साइन अल्फा हो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस बीटा हो एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू के साइन बीटा हो तो यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन फोर सेटिस्फाइड
इफ वी टेक, अगर हम ये वैल्यूज लें। अब हम इन वैल्यू को कंबाइंडली इक्वेशन कैपिटल ए ले लेते हैं और पुट करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा? सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, सारी वैल्यूज़ हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ में पुट करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं 0, तो क्या मिलेगा? के कॉस अल्फा इंटू के कॉस बीटा प्लस के साइन अल्फा इंटू के साइन, सॉरी हाँ साइन बीटा सही है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर साइन सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट यह होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दो वैल्यूज हो सकती हैं, पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज तैयार होती हैं कि एक बार में जब हम अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव पाई बाई टू लें और दूसरे पॉसिबिलिटी में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू लें, तो ऐसी दोनों कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि फंक्शन एनालिटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से दो केस बना के चलेंगे, जिसमें हम लिखेंगे केस फर्स्ट में टेक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव पाई बाई टू, ऐसी कंडीशन में बीटा की वैल्यू क्या होगी? बीटा इज इक्वल्स टू होगा अल्फा माइनस पाई बाई टू एंड यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा बीटा प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस बीटा। तो अब यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर ए में सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इनकी चारों वैल्यूज़ में पुट करते हैं तो हमको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के साइन बीटा हो जाएगा एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस बीटा हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस बीटा ऑलरेडी है, इसको नहीं चेंज करते हैं, और डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू के साइन बीटा हो जाएगा। तो ये चारों वैल्यूज हमको प्राप्त हो गई। तो इन चारों वैल्यूज से एक हमें रिलेशन प्राप्त होगा, वो रिलेशन क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये दो इक्वेशन मिलेंगी। ये दोनों इक्वेशंस सीआर इक्वेशन जैसी तो हैं, लेकिन सीआर इक्वेशन नहीं है। अगर हम यहाँ पर माइनस अगर हम यहाँ पर वी की जगह माइनस वी रखेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तब ये रिक्वायर्ड सीआर इक्वेशन यानी कि सीआर इक्वेशन मिल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ बी पुट माइनस वी एट द place of v then it will convert into CR equation, therefore the function should have represent an isogonal transformation। क्या होता है? माइनस वी और प्लस वी एक दूसरे की इमेजेस रियल एक्सिस में देखी जाएंगी, तो यहाँ पर साइन जो रोटेशन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगा। ऐसी कंडीशन कब मिलती है? जब ट्रांसफॉर्मेशन आइसोगोनल हो। तो उसके लिए तो ये प्रूव्ड है, उसके लिए तो ये है कि यहाँ सी आर इक्वेशन हम निकाली जा सकती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को, जबकि ये ट्रू होगा आइसोगोनल के लिए। तो
तो हमें जो हमारी पॉसिबिलिटी है यानी कि केस फर्स्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बट इन द क्वेश्चन द फंक्शन रिप्रेजेंट ओनली कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन सो वी रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव पाई बाई टू। इस ये पॉसिबिलिटी हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम केस टू पर चलते हैं यानी कि केस टू ही ऑप्शन बचा है हमारे पास। केस टू को देखते हैं, टेक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू प्लस बीटा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो लिखा जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के साइन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन फोर ये है और इसकी चारों वैल्यूज में फिर से पुट करेंगे तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू के साइन बीटा होगा एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस के कॉस बीटा और डेल यू अपॉन डेल वाई होगा जो कि पहले से ही लिखा हुआ है कॉस बीटा, इसको तो चेंज नहीं करना है। डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू के साइन बीटा। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। दिस इज द सी आर इक्वेशन, ये सी आर इक्वेशन है। देयर फोर द गिवन फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक इन डोमेन डी। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रूफ हो गया है। तो दोस्तों मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।